जय हिंद प्रिंस, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सरप्राइज के साथ साथ कंप्लीट डिटेल विद प्रूफ के साथ लेकर आए हैं। और आपका एससी सेंटर के दोस्तों 238 पदों पे जो रिक्रूटमेंट आपका निकल के आया था, उसका रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। रिजल्ट दोस्तों आपका लेबर का पूरा एग्जाम हो गया, अब मात्र और मात्र जो है दोस्तों बचा है तो आपका ड्राइवर और एमटीएस चौकीदार बचा है, लेकिन उनका भी रिजल्ट की डेट कंफर्म है। तो कंप्लीट वीडियो जो इसी के रिगार्डिंग होगा। इसके साथ ही आपको अपडेट करने वाले हैं 458 पदों पे जो रिक्रूटमेंट था। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सभी के लिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके आपके यहाँ पे बेनिफिट जो है दोस्तों इसमें डिस्कस किए जाएंगे। कंप्लीट जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को जो है दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो रिजल्ट लिस्ट होगी, पीडीएफ होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, आपका जो भी आपका रिजल्ट लिस्ट का जारी होगा जिसमें कट ऑफ बनेगी, या फिर आपका जो भी नोटिफिकेशन जारी होंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या कोई भी जानकारी होगी, सब की सब आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी। तो टेलीग्राम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा, जिसमें आपको जो है कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों 238 पदों पे दोस्तों रिक्रूटमेंट है, डेट पूरी फिक्स है, सबका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों 1 अगस्त और 2 अगस्त आपकी महत्वपूर्ण डेट है, और उसके बाद आपकी जो है कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिखाई दे रही है, या कोई स्किल टेस्ट जो है अब आपके होने स्टार्ट हैं। तो स्किल टेस्ट भी आपके साथ साथ में करवाए जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर और एमटीएस चौकीदार का भी जो है कुछ स्किल टेस्ट और जो है दोस्तों इनके रिगार्डिंग जो है कुछ जानकारी नहीं है। एमटीएस चौकीदार का स्किल होने के बहुत ही कम चांस हैं, हालांकि ड्राइवर का तो स्किल दोस्तों डेफिनेटली होता है, यानी आपका जो है ट्रेड टेस्ट जरूर होता है दोस्तों। ट्रेड टेस्ट बोलो या फिर स्किल बोलो, जो भी बोलो, फिजिकल बोलो, आपको बोलना है जो बोलो, लेकिन 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 दोस्तों सुनिए, लेबर का एग्ज़ाम हो गया, एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, और ये नोटिस आपका पूरा एससी के द्वारा ही जारी किया गया, देख सकते हैं। कप्तान ओई अब आती है दोस्तों, कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इनके रिगार्डिंग सवाल आते रहते हैं, जैसे 458 के बच्चे हैं, एक 238 के बच्चे हैं। दोस्तों आप सभी से एक जो है यहाँ पे एक कैंडिडेट के द्वारा आप में से ही मुझे राय दी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। सरप्राइज ये है कि दोस्तों आपका 238 और 458 के लिए हम दो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, एक 238 का बना रहे हैं और एक 458 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी 1 मंथ के लिए रख रहे हैं। सुनिए सुनिए, इसमें 1 मंथ की वैलिडिटी में आपको क्या मिलेगा, आपको जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, जैसे आपको क्वेश्चन लिखने का भी पैटर्न बता देता हूँ कैसे लिखोगे, अपना नाम लिखोगे यहाँ, उसके बाद अपना क्वेश्चंस लिखेंगे, और नीचे फिर मैं आपको आंसर जो है दोस्तों देने वाला हूँ। अब आंसर कौन देगा, आंसर मैं खुद देने वाला हूँ, आंसर खुद देने वाला हूँ, वॉइस टाइपिंग के द्वारा दे सकता हूँ, या दोस्तों टाइप करके दे सकता हूँ, या आपसे कॉलिंग पर बात कर सकता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई, समय चाहिए, और इस समय को निकालने के लिए मैं रख रहा हूँ भाई एक बंदे को, बंदे को मतलब एक दोस्तों आपका जो है इस चीज़ों को हैंडल कर सके, यानी व्हाट्सअप ग्रुप को, उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और दोस्तों वो उसको रखने के लिए आपको पता है वो जो है कोई फ्री में रहने के लिए अभी रेडी नहीं हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे पूरा चार्ज लेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मात्र और मात्र भाई उन जो है बहुत रिक्वेस्ट करके बनाया है, क्योंकि भाई 50 कम से कम बंदे होते हैं तब जाकर जो है बात बनेगी, अन्यथा दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेते हैं। मात्र और मात्र भाई 20 रुपये आपका चार्ज रखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप का, 1 मंथ के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँगा दोस्तों, जिसमें आपका सारे कैंडिडेट अनलिमिटेड इस समय के लिए एससी बेंगलोर की ही बात होगी, केवल एससी बेंगलोर की बात होगी दोस्तों, क्योंकि आपकी रिजल्ट लिस्ट आती है ये भी नहीं पता चलता, आपका रिजल्ट कब आता है ये भी नहीं पता चलता, आपकी ज्वाइनिंग कब होती है ये भी नहीं पता चलता, तो आप अपना क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस का जवाब भाई मैं दूंगा। इसके लिए मुझे जो है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देंगे उन सभी का अरेंजमेंट करने का काम भाई मैं उसको दूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप को संभालेगा। जैसे मुझे 4 कैंडिडेट का आज मैसेज आया,
तो उसका मुझे चारों का भाई तुरंत मुझे जो है पर्सन मिलेगा, उसको देखूंगा, देखकर भाई तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि भाई वो तो अरेंजमेंट कर लेगा लेकिन मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहेगा, तो वो समय यहाँ पे निकालना है दोस्तों। अब मैं यही कहूँगा भाई, आप इच्छुक हैं तो जुड़े, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20 रुपये वेस्ट करें, आपको अगर लगता है, और एक चीज़ और बोल दूंगा भाई, अगर आपका सिलेक्शन होता है ये 20 रुपये वापस ले लेना, इससे ज़्यादा यार क्या कर सकता हूँ भाई। ये 20 रुपये नहीं है, मैं उसको दूंगा क्योंकि भाई उनका भी काम चलता रहे, क्योंकि भाई कोई ऐसे तो फ्री में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अपना तो भाई ठीक है कि यूट्यूब से है भाई, और व्हाट्सअप ना हो के भाई अपना तो यूट्यूब से आ जाता है, वेबसाइट से आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट भाई उसको तो पैसा देने पड़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। इसलिए भाई मात्र एक मंथ के लिए ट्राई कर लेते हैं, और आपको रिप्लाई ना मिले तो 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपको रिप्लाई आ जाएगा, और ये तभी हो पाएगा भाई जब मैनेजमेंट होगा, अन्यथा तो भाई आप ऐसे ही मैसेज करते रहना, क्योंकि मैसेज भाई देख ही नहीं पाते हैं, इतने मैसेज आते हैं काफ़ी। अब बात आती है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कैसे करना है। दोस्तों मैं जल्दी जो है इसमें वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, और सेंड करते ही दोस्तों, और किस पे सेंड करना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म स्टैंड जो है दोस्तों आपको जो है देख लेना है, और उस पे लिखा होगा, जैसे कोई भी भर्ती आपकी ऑफलाइन फॉर्म की आ रही है उस पे जाना, और उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 20 रुपये का एक चार्ज का ऑफलाइन फॉर्म। उस पर आपको हमारे UPI ID और दोस्तों उसमें जो अपना स्कैनर मिलेगा उस पर क्लिक करके आप जो है हमें भेज सकते हैं, और जैसे ही मुझे आप प्रूफ देंगे तो जैसे मैं उसको बोल दूंगा कि जैसे आपका रुपये आते हैं तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा है जो है दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बट ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है दोस्तों, आपका देखिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा SC सेंटर बेंगलोर, ये आपका 21 अप्रैल को, और ये ऐसा कैंडिडेट है दोस्तों, देखिए क्या है, 110 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 110.25 मार्क्स, और कट ऑफ गया है 111.25। क्या वेटिंग लिस्ट में चांस हैं, तो बिल्कुल भाई वेटिंग लिस्ट में ऐसे ही कैंडिडेट का नाम आएगा। अब जिनके भाई 60-50 इनके नंबर हैं तो ये तो भाई उम्मीद मत कर लेना, बट ऐसे कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। अब ऐसे कैंडिडेट भाई जिनका सिलेक्शन होता है तो आप अपना 20 रुपये वापस ले लेना, अगर एक मंथ के अंदर ऐसा होता है तो दोस्तों, एक मंथ के अंदर, क्योंकि भाई मैं उस मंथ की एक ही मंथ की वैलिडिटी रखूँगा और एक ग्रुप बनाऊँगा, जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाती कंप्लीट तो उसमें उसका जो है समय आपका ज़्यादा रहेगा, उस समय के हिसाब से मैं आपको चार्ज भी बता दूंगा भाई, ठीक है। वो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई कितने समय के लिए क्या रहेगा, अभी एक मंथ के लिए राजी हुआ है भाई। तो ये तो MTS चौकीदार का है। अब बात आती है कि भाई 238 पदों के लेबर का रिज़ल्ट है, तो उसका कट ऑफ़ यही रहने वाला है, इससे जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जाने के पूरे चांस हैं कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है 111.25 मार्क्स हैं। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे कट ऑफ का जो मार्क्स हैं, इतने मार्क्स तो आपको मैंने बता ही रखे हैं, देख सकते हैं कि MTS चौकीदार का ये जो है आपका कट ऑफ है, और उसके यहाँ पे आपका जो अभी लेबर का पेपर हुआ है वो आपका बिल्कुल ईजी लेवल का पेपर ही है, और कट ऑफ इसकी के आर बार रहेगा। मैंने यहाँ पे बताया भी है कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आर बार रहेगा, आपका कट ऑफ 100 से लेकर 110 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सही है। उसके अलावा आपके यहाँ पे 100 मार्क्स, जिसके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं OBC के कैंडिडेट, उनका भी जो है चांस बनते हैं, इतना ही यहाँ पे लगभग कट ऑफ, क्योंकि आपका पेपर का जो लेवल था उसी प्रकार का ही लेवल यहाँ पर था। तो यही है SC सेंटर जो आपका यहाँ पे लेबर का जो कट ऑफ है वो इसी तरह से जो है कट ऑफ आपका रहने वाला है, ये आपके सामने है, और इतने इतने नंबर से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये UR का ही कट ऑफ है, ये UR का ही कट ऑफ है पूरा। यहाँ पे SC कभी भी जो है रिज़ल्ट लिस्ट जारी नहीं करता है, इसके जो है यहाँ पे आपका केवल जो है आपकी जो RTI के थ्रू है इसी से पता लगाया जाता है, लेकिन RTI आपका जो है लगभग रिज़ल्ट आने के दोस्तों 2 या 3 मंथ जो है लगा देती है समय, उसके बाद जो आपका रिप्लाई आना स्टार्ट होता है। तो ये सारी अपडेट थी आपकी, अभी जो आपका रिज़ल्ट जैसे लेबर का है इनका है, तो दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है लगभग 1 मंथ के बाद, यानी आपका अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर में आपकी जो है सारी प्रोसेस जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपकी आगे की प्रोसेस जो है आपकी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है।
तो ये थी आपकी कंप्लीट, चाहे वो आपके यहाँ पे ड्राइवर की, एमटीएस चौकीदार की बात करें, एमटीएस चौकीदार और ड्राइवर का, तो उसका भी यहाँ पे जो है समय जो है एक मंथ और बढ़ा लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही जो आपका यहाँ पे जॉइनिंग होगा, और इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि इनमें ड्राइवर का भी जो है स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंडक्ट होने के बाद ही जो है आपका रिज़ल्ट जो है आपका आता है। इसमें जो है आपका लेबर जो है उनका जो है स्किल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, यानी आपका फिजिकल जो है कंडक्ट करवा लिया गया है। तो ये थी सारी जानकारी, और आपको जो है कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो वो लिंक जो है वो आपको यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म पे जाना है, वहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको जो है पेमेंट मेथड जो आपको शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।